ਕੰਨ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿਮਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਲੋ ਵੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਚਾਉਣਾ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜੀ ਦਾਵਾ ਖਰਚਾ ਨਾਨ ਨੇ ਫੱਕਾ ਜਾਈ ਤਰਫੋਂ ਸੀ। ਕਰੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ, ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ। कभी फॉल्ट ऐसे भी होता है कि यहाँ पर देखें चार्जिंग चल रही है लेकिन बैटरी को करंट नहीं मिल रहा, उसको चेक करने का तरीका ये है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, अब बहुत गौर से देखना कि ये टर्मिनल हैं इसके, इनको अब मैं चेक करूँ तो यहाँ पर करंट आ रहा है टोटली 2.2 वोल्ट, हालांकि इसको चाहिए 4.7 वोल्ट। इसको अंदर से चेक करते हैं अभी, यहाँ पर ये जो इसके दो ट्रांसिस्टर हैं, एक ये है एक यहाँ पर है, इन दोनों को जंपरिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पर करंट वीक हो रहा है। देखें
अब यहाँ पर करंट बिल्कुल कम आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो करंट इधर ठीक आ रहा है, यहाँ पर वीक हो रहा है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये सेट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, प्लीज़ आपने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। एक ये दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पर इसको जंपरिंग की है इन दोनों ट्रांसिस्टर के साथ, ये देखें बिल्कुल साथ। अब मैं कैमरे के नज़दीक कर देता हूँ। अब यहाँ से मैंने इसको काटना है, इसका करंट दोनों का मिल चुका है। पहले मैंने इसका करंट चेक किया, टोटल 2.3 वोल्ट था। आप मीटर पर आप ज़रा गौर से देखना। अब इसको आउटपुट 4.7 वोल्ट मिल रही है, कुछ इससे भी ज़्यादा है। अब चार्जिंग इसकी बिल्कुल फुल होगी। पहले ये था कि डिस्प्ले के ऊपर चार्जिंग आ रही थी, लेकिन चूंकि बैटरी को कोई डीसी करंट इनपुट में नहीं मिल रहा था, तो अब इसकी वोल्टेज पूरी हो गई है। अब ये क्लियर है इंशाल्लाह, और इसकी चार्जिंग भी होगी। मैं आपको सेट मुकम्मल करने के बाद दोबारा दिखाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लिहाजा बीच में सेट को सेटिंग करने में मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी नहीं होती। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आप जब भी मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो मल्टीमीटर की मदद से आप वोल्टेज ज़रूर चेक किया करें कि क्या बैटरी टर्मिनल से करंट आ रहा है और कितना आ रहा है। बाज़ औक़ात बंदा वैसे ही जो है ना चार्जिंग बेस को ओपन कर लेता है या तब्दील कर लेता है, रिमूव करना के लिए जो है ना जल्दबाजी करता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले उसकी इनपुट देखो कि क्या यहाँ पर जो आपकी चार्जिंग आ रही है वो डीसी में करंट पूरा दे रही है, बैटरी को करंट पूरा मिल रहा है। हाँ, एक और प्रॉब्लम होती है, बाज़ औक़ात 0.5 के चार्जेस होते हैं वो नॉर्मल करंट दे रहे होते हैं, उस वजह से भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ से टर्मिनल के ज़रिए जो आप चेकिंग करेंगे उसमें आपको तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि करंट कम आने की वजह से बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही होती, और डिस्प्ले के ऊपर चूँकि आईसी को तो करंट मिल रहा होता है, लेकिन आईसी नॉर्मल करंट से भी जो है ना डिस्प्ले कर देता है कि भाई चार्जिंग हो रही है बैटरी, लेकिन ना ही परसेंटेज में इजाफा होता है और ना ही बैटरी चार्ज हो रही होती है। लिहाजा ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेगी। अब पहले हमने सेट को खोला, इसकी चार्जिंग चल रही थी लेकिन बैटरी को इनपुट बहुत कम मिल रही थी। अब दोबारा मैंने आपके सामने ट्रांसिस्टर को करंट को चेक किया, उनको आपस में जंपरिंग की, अब वो ठीक हो गई है। अब इंशाल्लाह मैं इसको थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पर लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसकी चार्जिंग में इजाफा हुआ है कि नहीं। अभी इसकी बैटरी बिल्कुल लो है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया। ये पावर 14 है सेट क्यू का। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर ये इसके रेड निशान है बैटरी के अंदर, ये बिल्कुल बैटरी इसकी लो है। अब मैं इसको लगाता हूँ चार्जिंग पे, और 10-15 मिनट तक मैं फिर दोबारा आपको दिखाता हूँ कि क्या इसकी बैटरी चार्ज हो पाती है या नहीं पाती।